जी हाँ, इस वक्त मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस को लेकर एक नई अपडेट आ गई है जिससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि दिव्या पाहुजा मर्डर केस के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अभिजीत सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जैसे ही पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह ने ये राज खोला। आखिर क्यों दिव्या पाहुजा की बेरहमी से कत्ल कर दी है अभिजीत ने। जी हाँ, 27 साल की चर्चित मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर के पीछे का असली कारण बताते हुए स्वीकार इस पूरे कत्ल की जिम्मेदारी लेते हुए स्वीकार इस जुर्म को करते हुए अभिजीत सिंह ने कहा कि मॉडल उसे ब्लैकमेल किया करती थी, इसी कारण उसने गोली मार दी। जी हाँ, ब्लैकमेल किया करती थी मॉडल दिव्या पाहुजा। निधन से पहले अभिजीत को इसलिए वो काफी गुस्सा था और इसीलिए उसने दिव्या का कत्ल कर दिया। उसने कहा कि वो होटल सिटी पॉइंट का मालिक है जिसे उसने लीज पर दे रखा है। इसी होटल में मॉडल दिव्या पाहुजा को उसने खत्म किया था। बता दें आप सबको, दिल्ली से सटे गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली है दिव्या पाहुजा, जिसके मर्डर को लेकर मुख्य आरोपी ने कई और खुलासे किए हैं अभिजीत सिंह। जी हाँ, मुख्य आरोपी ने यह भी बताया है गुरुग्राम पुलिस को कि कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या पाहुजा के पास थी उसकी, और उस तस्वीरों के जरिए मॉडल उसे ही ब्लैकमेल किया करती थी, अक्सर पैसे लेती रहती थी और कुछ दिनों से ज्यादा ही पैसों की डिमांड कर रही थी, जिसके कारण अभिजीत को यह कदम उठाना पड़ा। 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या को लेकर गुरुग्राम की होटल सिटी पॉइंट गया था। वहां उसने अपनी तस्वीरें डिलीट करने के लिए उससे कहा, लेकिन मोबाइल का पासवर्ड जब उसने मांगा तो देने से इनकार कर दिया दिव्या ने अपने मोबाइल का पासवर्ड, और इसी से आरोपी अभिजीत इतना नाराज हुआ कि वो अपना आपा खो बैठा और उसने दिव्या की बेरहमी से कत्ल कर दी। सनसनीखेज एक और खुलासा हुआ है, जिस तरह से अभिजीत, ओम प्रकाश और हिमराज तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सारी सच्चाई उगलवाने के प्रयास किए हैं, पुलिस को इसमें बहुत बड़ी जीत तो मिल गई है, लेकिन गुस्से में आकर मॉडल की जान लेने वाले अभिजीत ने कई और बातें भी बताई